दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशपाल। यश जी, क्या कहना है आपका इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा का चुनाव जो है जी, बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, इंसान शराफा से होना चाहिए। चुनाव का जो परिणाम आएगा वो तो बाद में देखा जाएगा, बाकी लोकतंत्र में सबको वोट डालना चाहिए, सबका हक बनता है भी वोट डालने का। बाकी जो समस्या है हमारी, मेन समस्या ये है जी, बेरोजगारी। मेरी दो बेटियां हैं जी, एक ने बीएड कर रखी है, एक ने बीसीए कर रखी है। दोनों की दोनों बेटियां मेरी घर बैठी हैं, नौकरी कहीं नहीं मिल रही। दूसरी समस्या है जी, यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है जी, बिल्कुल भी सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है जी। तीसरी समस्या ये है जी, जो गरीबों के लिए राशन कार्ड बने हुए हैं, गरीबों को राशन देने के लिए सरकार ने योजना बनाई है, वो रोज योजना तो सही बनाई हुई है पर राशन कार्ड टाइम पे गरीबों को नहीं मिलता है जी। जी, तीन समस्या बताई दादा इन्होंने, आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है इन्होंने, बेरोजगारी तो हमारे पूरे देश की समस्या है, बाकी जो यहाँ की निजी समस्या ये है, सफाई व्यवस्था जैसे भाई साहब ने कही है, अभी सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं होती यहाँ, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही बेकार है, और जल भराव और ये जो सड़कों का हिसाब किताब आम बंदा अपनी आंखों से देख सकता है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं पलवल के लिए। सबसे अच्छा, जैसे हमारे शो का नाम है चाय पे चर्चा, तो यहाँ कुछ लोग चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं, आइए उनसे ही बात करते हैं। दादा आपका क्या कहना है? नहीं, जो ये हमारे यशपाल जी ने बोला ये बिल्कुल ठीक बोला, बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जल भराव की जो समस्या है, आज बैठे हैं, एक ही बारिश में यहाँ पर घोटू घोटू तक पानी भर जाता है, निकासी का कोई वो नहीं है। इतनी भ्रष्टाचारी इस सरकार में हुई है, हमने और इतनी भ्रष्टाचारी किसी सरकार में नहीं देखी। अच्छा, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा दिया गया है और सफाई रोजगार इन सब का भी तमाम आरोप लग चुका है, क्या कहना है आपका? सर एक बात बताओ, हम मेरी दुकान है यहाँ गोल चक्कर मार्केट में, कैम मार्केट में ही। ये लगा लो, जब से ये पुल बना है ना जी, जी ये पुल बना है ना, तब से लगा लो हमारे, तो ये लगा लो इनका काम ही हमारा खत्म कर दिया, काम ही ऐसा लगा लो बिल्कुल ग्राहक आते ही नहीं है यहाँ पे। एक जो रोड ऐसा बनाया है भाई साहब, वहाँ रोंग साइड चलते हैं, रोंग साइड में आप रोज देख लो कोई ना कोई एक्सीडेंट है डेली। पुल बन रहा तो विकास में भी आता है ना भाई साहब, विकास आया हमारा तो विकास बंद कर दिया उन्होंने, हमारी तो रोजी रोटी खत्म कर दी इन्होंने, आप ये बताओ ना हम कहाँ जाएं जी। जब ये ठीक है, पुल बन गया विकास की बात है, जैसे ये बताते हैं कि बदरपुर बॉर्डर से यहाँ का 40-45 मिनट लगते हैं, मगर जहाँ जहाँ पे निजी जरूरत है, जैसे हमें अंडरपास चाहिए, मार्केट वालों को अंडरपास एक ही जगह एक बनाया तो वो रॉन्ग साइड बना हुआ है, कस्टमर आए कैसे यहाँ पे? जब ये बन रहा था तो आपत्ति उठाई गई थी क्या? उठाई गई थी सर, बीसीओ बार अपने विधायक को बोला जाके मंगला जी को, निकम्मा विधायक पूरी निकम्मा विधायक साबित हुआ ये। दादा भाषा का संयम बना के हमें पूरी चर्चा करनी है, पूरी बाजार वाले बीसीओ बार गए वहाँ पे, उनकी अपनी डिमांड रखी गई वहाँ जाकर के, और ज्ञापन सौंपे गए हैं डीसी साहब को, तब से सब कुछ देखा दिया गया ज्ञापन, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, मनमानी की गई हर एक तरफ से, उसका हाल आप देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।